गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब इस प्यारी सी और इंटरेस्टिंग कहानी को शुरू करते हैं। बात आज से करीब 2 साल पहले की है। ये बात पूनम की है। पूनम की ज़िंदगी की एक दास्तान जो पूनम अपनी बातों से कहना चाहती है। बहुत ही साधारण सी लड़की थी। मैंने कभी भी किसी को बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में ना सोचा था। हुआ कुछ यूँ जो मैं आपको सारी बातें पहले से बताती हूँ। मैं मेरे घर पर अपनी मम्मी और पापा के साथ रहती थी और मेरे माता पिता दोनों सरकारी जॉब में थे। इस वजह से वे लोग अक्सर काम के सिलसिले पे बाहर जाते रहते। मुझे अक्सर घर पे अकेले रहना होता। मुझे इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत ना थी। मुझे मानो अकेले रहने की आदत सी थी। ऐसे ही टाइम गुजर रहा था। एक दफ़ा मैं अपने घर पर थी, तभी मैं कॉलेज से वापस आई थी। अगर मैं अपनी पढ़ाई के बारे में बताऊं, तो मैं अभी कॉलेज में पढ़ती हूं और मेरे कॉलेज में मेरी 3 बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। उन तीनों में से 2 का बॉयफ्रेंड है, 1 का नहीं है और मेरा भी बॉयफ्रेंड नहीं है। हम लोग लाइफ में थोड़ी सी ये सोचते, मैं तो बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में इसीलिए नहीं सोचती कि मैं सोचती कि मैं ज़िंदगी में एक ही इंसान से प्यार करना चाहती हूँ और वो एक इंसान मेरा पति होगा। पता नहीं आज बॉयफ्रेंड बनाई, कल ब्रेकअप हो गया, फिर दूसरा बॉयफ्रेंड। अरे भाई ऐसा मैं ना चाहती थी, इसी वजह से मैंने बॉयफ्रेंड वगैरह ना बनाया था। ऐसे ही टाइम गुजर रहा था और उस दिन जब मैं घर पर थी, कॉलेज से वापस आई, तभी मेरे घर से कॉल आया। उन्होंने, मेरे घर वालों ने कहा कि, पहले तो कहा कि पूनम, मैंने कहा हाँ बोलिए, तो उन्होंने कहा कि आज मेरी मॉम ने कहा हम दोनों को अचानक से बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैं और तुम्हारे पापा आज घर नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा कि घर नहीं आ पाएंगे, आप लोगों को तो पता है मुझे अकेले डर लगता है, पहले बोलती तो मैं किसी फ्रेंड को बुला लेती। तो मॉम ने कहा अरे सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ, हमें इतना जल्दबाजी में आना पड़ा कि हम बोल ही नहीं पाए। मैंने कहा ठीक है देखती हूँ। फिर मैंने अपने 2 दोस्त को छोड़, जो मेरी सबसे एक दोस्त था जिसका बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने उनसे कॉल किया। इसका भी एक बहुत बड़ा वजह था। अगर मैं अपने उन दोनों दोस्तों में से एक को बुलाती जिनका बॉयफ्रेंड है, तो वो आती तो मेरे साथ रहने, लेकिन मोबाइल में घंटों अपने बॉयफ्रेंड से बात करती। इसी वजह से मैंने उनमें से किसी को नहीं बुलाया। मेरे उस दोस्त के घर वालों को भी पता था कि अक्सर मेरे मम्मी पापा बाहर जाते रहते हैं, तो मैं उसे बुलाती हूँ, तो ऐसा कोई दिक्कत ना था। फिर मैंने उसे बुलाया और उसने कहा ठीक है मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं खुश हो गई कि चलो अब मुझे अकेले रहना पड़ेगा। थोड़ी देर बोलने के बाद वो हमेशा आधे घंटे में आ जाती थी। अभी कम से कम 1 घंटा हो चुका था, वो अब तक ना आई। मेरे को लगा पता नहीं क्या हुआ, वो अभी तक आ क्यों नहीं रही है। यही सब सोच मैं उससे कॉल की, तो उसने कहा कि अरे उसके घर पे अचानक से कुछ गेस्ट आ चुके हैं जिस वजह से वो नहीं आ पा रही है। मैंने कहा नहीं आ पा रही है तो मुझे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी ना। उसने कहा यार मैनेज कर लो आज का दिन। मैंने कहा यार मैनेज, तुम्हें तो पता है मुझे डर लगता है, बस इसीलिए मैंने बुलाया। उसने कहा देखो अगर ऐसा होता मैं आ जाती ना, आज का दिन तो मैं मैनेज ही करना होगा। मैं बहुत डर गई, अब मैं अकेले कैसे रहूं, मुझे अकेले रहने में काफ़ी डर लगता। फिर मैंने अपने दोनों दोस्तों को बुलाया, तो उन दोनों दोस्तों ने आने के लिए तैयार हो गई। मैंने सोचा उन दोनों को बुला लेती हूँ, एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी रहेगी तो दूसरा तो मेरे साथ बात कर ही लेगी, बस यही सोच के मैंने उसे बुलाया था। लेकिन दोस्तों जो हम सोचते हैं वो कभी होता है क्या? एक आई तो वो अपने बॉयफ्रेंड से ही बात कर रही थी और दूसरा जब आई तो पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड इधर ही आने वाला है। मैंने कहा क्या तुमने बुला लिया उसे इधर, तुमने सोचा भी नहीं मेरे घर से कोई आ गया मुझे देख लिया तो? उसने कहा कि यार कौन देखेगा, तुम इतना
क्यों डरती हो? लेट्स चिल, डरो मत। मेरी तो मानो हालत खराब हो रही थी और वो मुझे कह रही थी डरो मत। अब दोस्तों मैं क्या करती मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा ठीक है, बुलाई हो तो कोई बात नहीं। अब दोस्तों मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, ठीक है, उस वक्त, इसीलिए मैंने उसे ऐसा बोला। फिर करीब 2 घंटे बाद उसका एक बॉयफ्रेंड आया। मैंने उसे बैठने के लिए कहा, वो मेरे घर पे बैठा। मुझे काफ़ी अजीब फीलिंग आ रहा था। ये पहला दफ़ा था जब किसी को उसने घर पे बुलाया और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने उसे कुछ नहीं बोला, बट मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा था। काफ़ी देर ऐसे ही बीतने के बाद मेरी फ्रेंड ने काफ़ी देर अपने बॉयफ्रेंड के साथ व्यतीत किया। फिर उसका बॉयफ्रेंड चला गया। उसका बॉयफ्रेंड के चले जाने के बाद मैंने थोड़ी सी राहत की सांस ली कि चलो अब तो वो गया, मतलब अब शांति है। लेकिन दोस्तों यहाँ ख़त्म नहीं था। मेरे दूसरे फ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया। मैंने कहा यार तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो? तो उसने कहने लगी, अच्छा उसका बॉयफ्रेंड आ सकता है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आ सकता। दोस्तों उस वक्त मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। मुझे तो गुस्सा आ रहा था कि मैंने उन दोनों को बुलाया ही क्यों। ना जाने मैंने अपने उन लोगों के लिए बुलाया था या मेरे लिए। खैर अब मैं क्या कर सकती थी। उसका बॉयफ्रेंड भी आया और फिर उसके साथ वो थोड़ी देर बैठी। काम तो मेरा बढ़ गया ना, मुझे सबके लिए चाय कॉफ़ी नाश्ता बनाना पड़ा। फिर उनके बॉयफ्रेंड चले गए और उनके चले जाने के बाद मेरे दोनों दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करने में बिजी थे। मैं यहाँ पर अकेली बहुत बोर हुई। उसके बाद मुझे एक दफ़ा उस दिन लगा कि मुझे भी अपने बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। इससे 2 फ़ायदा होगा। पहला तो ये जो मैं घर पे बोर होती हूँ, कोई आने को नहीं रहता, उस टाइम मेरा बॉयफ्रेंड आ जाएगा। और दूसरा, जब सबके बॉयफ्रेंड आते हैं मैं मानो काम वाली बन के किसी को ये देती हूँ किसी को वो देती हूँ, ये सब कुछ सही हो जाएगा। ये सब सोचने के बाद मैंने भी अपना एक बॉयफ्रेंड बनाने का सोचा। मैं देखने में अच्छी थी, बेशक इस बात में कोई संदेह नहीं था। और एक लड़का जो मुझे काफ़ी दिन से चांस मारा था, उसने मुझे प्रपोज़ किया तो मैंने भी उसे हाँ बोल दिया और फिर मेरी लाइफ बिल्कुल सही चलने लगी। ये कहानी मैंने आप लोगों से इसीलिए शेयर की ताकि मैं आपको अपने दिल की ये दास्तान बता पाऊँ। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक से हमें बहुत अच्छा लगता है, बस एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।